बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद असलम व्लॉग्स। इस रात को ना बहुत तेज़ तूफान आया था, जिसकी वजह से ना हमारा एक तो ये गत्ता टूट गया, ये सारा टूटा गया, खास जो थी ना कूलर की, और इसके जो बेबी थे वो भी थोड़ा ठंडे हुई ना, वो बीमार हो गए, वो भी सारे करके एक्सपायर हो गया। लेकिन अब इसके बेबी जो थे वो नहीं है इसमें, ये रखें जो हमारे सारे बच्चे थे वो एक्सपायर हो गए। बाकी हमारा मेल जो है वो रैबिट मेल वो इधर है, बाकी पिजन हमने लहदा कर लिया, इन्हें अब बड़े हो गए हैं, ये लड़ते हैं सारे। आप देखें दो नीचे आ गए, दो ऊपर, दो इधर ले आए हैं। बाकी अभी ना सबसे पहले इन तोतों का सारों का दाना पानी भी चेंज करना, देखना इसका पानी भी नहीं है और इसका जो दाना भी खत्म है, इसका पानी गंदा। इन सारों का सबसे पहले दाना पानी चेंज करना, और रैबिट सी घास भी नहीं है, रैबिट सी घास भी लेके आनी है, क्योंकि जो इसकी बरसीन है ना उसकी मौसम ख़त्म होती जा रही है। आप ज्वार लेके आएंगे, मार्केट चलते हैं, देखते हैं अगर बरसीन मिल जाती तो बरसीन नहीं लेते आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा शौक से ना बरसीन खाते हैं, ज्वार नहीं खाते। जो चीज़ भी मिली हम वो भी लेते आएंगे। उसके बाद मेरे पास आपके लिए सरप्राइज भी है, अपना सबसे पहले ना इनको दाना पानी डालना, सरप्राइज वो आपको फिर बताता हूँ। वो जो सरप्राइज है ना वो इस बाल्टी में फिर रहा, सबसे पहले इसको चेंज करके ना दाना पानी, फिर वो आपको दिखाता हूँ। आप चलते हैं, दाना लेके आते हैं और पानी चेंज करते हैं। गाइस ये बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं दानों की, इसमें से हमने एक ये वाली बाल्टी उठानी है और एक ये वाली बाल्टी उठानी है, इन दोनों को उठा लेते हैं, लेकर चलते हैं। मैं बाहर ले आया हूँ, इसका तोता ही नहीं है, इसका जो तोता था ना वो उड़ गया दोनों, एक ने खुद ही जाली खोल के उड़ गया था। वो वीडियो ना भाई के चैनल पे आ पड़ी, और किसी ने वो भी देखनी हो ना वो भी देख लेना, और भाई के चैनल का नाम भी नहीं शो हो रहा होगा। अब इनका दाना पानी चेंज करते हैं, ये जो है ना दाना गंदा है, इसको इसमें फेंक देंगे, फिर इसको सफा करके ना दोबारा इनको खिलाएँगे, क्योंकि एक ही बार इनको ज़ाया नहीं करते ना दाने को, दो तीन बार यूज़ कर लेते हैं। जगह जैसे जाली खुली रह जाती है ऐसे उड़ते हैं। वो बच्चे बाहर आ गए जो मैंने आपको बहुत पहले दिखाए थे ना, माशाल्लाह देखें कितने बड़े हो गए हैं, अपनी माँ से दाना मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर ये सारे दाना वगैरह खाने आ गए हैं, और एक इधर काकटेल फिर रहा। सारा दाना डाल लिया है, आप कबूतरों का भी दाना चेक कर लेते हैं, इसका पड़ा हुआ है, उसके बाद इसका भी पड़ा हुआ है, सिर्फ इसका खत्म है, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ से। ये इसको भी डाल दिया, अब चलते हैं ये पानी भर के आते हैं, उसके बाद सारों को पानी चेंज करते हैं। पहले मैं पानी भर आया हूँ, इनका जो ये गंदा पानी है ना पहले का, ये पानी निकाल के जाया कर देंगे, उसकी जगह इसको थोड़ा साफ करके ना नया पानी डाल देंगे इसमें।
इसको खांसी वगैरह भी हो रही है, इसकी वैक्सीनेशन भी करने वाली है ना अभी, क्योंकि जब इसके बच्चे दिए थे फिर इसकी वैक्सीनेशन नहीं की थी, अब इसकी दोबारा वैक्सीनेशन भी करने वाली है और इसके नीचे से सफाई भी करने वाली है इंशाल्लाह, ये दोनों काम ना जल्दी करेंगे। आज इधर सारा पानी मैंने चेंज कर लिया, इनका भी कर लिया, ये रखें, और तोतों का भी मैंने सारों का चेंज कर दिया। अब ये जो दो बाल्टियाँ ना, इनको उठा के दोबारा अंदर ले जाते हैं और फिर जाकर रैबिट्स की घास लेके आते, फिर आके आपको सरप्राइज दिखाता हूँ। घर में फ्रेश घास ले आया हूँ, अब इनकी जो पहले वाली है ना ये निकाल के इधर टप में फेंक देते हैं, इसी तरीके से इसकी भी निकाल लेते हैं। है ना, इसके फूल ऊपर लग गए हैं, इसके मौसम बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब ये बीज उठा रही है। पिछली बार तो हमने लोशन मंगवा लिया था ना, खुश्क लोशन होता ना, वो हमने 20 kg मंगवा लिया था, उससे हमारा गुजारा चल गया, तो दो तीन बैग मंगवा लिए थे उसके। इस बार भी देखते हैं क्या करना है, अगर ज्वार बाजार से ले के आए और वो खा लेंगे ये, फिर इनको वही डालते रहेंगे, वरना वही बैग ही मंगवाएंगे। माशाल्लाह से सारा कंप्लीट हो गया इस साइड का काम, अब चलते हैं दूसरी साइड पे, वहाँ पे जो भाई ने धोते रखे हुए हैं ना उनको भी दाना पानी डालना। भाई मैंने इसका देखा जो सूरजमुखी थी ना वो ख़त्म है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो भाई फिर थोड़ी देर में ना लेट आएगा खुद ही। देखना ये सूरजमुखी पड़ी हुई है, ये बिल्कुल थोड़ी सी है बाकी ख़त्म हो गई है, ये भाई अभी लेता आएगा फिर इनको आगे खुद ही डाल लेगा। अब टाइम हुआ जाता है आपको सरप्राइज दिखाने का, जो इस बाल्टी में उसको देखने से पहले पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में खड़े बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, फिर दिखाता हूँ जी मैं आपको सरप्राइज। ये रखें माशाल्लाह से यह है जी टटल, ये अभी अंदर गया हुआ, थोड़ी देर में ना ये बाहर आ जाएगा, देखना आ जाना। इसको यहाँ छोड़ते हैं और ये थोड़ी देर में फिर भाग पड़ेगा यहाँ से। इसने पहले थोड़ी देर सारा जायजा लिया मैं कहाँ फिर रहा हूँ, उसके बाद अभी भागने लगा। अब इसको छोड़ देना फिर दोबारा पानी में, कितनी स्पीड से पाँव मारने लगा हुआ, क्योंकि पानी इसको पीछे लेके जा रहा और ये आगे जाने की कोशिश कर रहा। इसको जो हम फीड डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं दूसरी जो होती है ना गोभी का पत्ता डाल देते हैं, और इसकी टटल फीड जो है वो मैंने ऑर्डर की हुई है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी, वो फिर इसको डाला करेंगे। इसको अभी बाल्टी में रखा हुआ है, इंशाल्लाह इसकी ना कोई प्रॉपर जगह बनाएंगे उसके अंदर इसको रखेंगे। बाकी यहीं पर करते हैं इस वीडियो के एंड, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।
तेज़ तूफान आया था ना, उसकी वजह से हमारी थोड़ा सा ये नुकसान भी हो गया, हमारा थोड़ा सा ये नुकसान भी हो गया। जो ये नेट थे ना, ये थोड़ी फट गया, अभी इसको दोबारा से सिलाई करना पड़ेगा।